अगर आप आगे देखें, आजकल जो टॉपिक है उसमें फ्लास एंड पिपेट्स आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो हमें केमिस्ट्री लैब के अंदर नजर आएंगे। तो फ्लास के अंदर ये होता है कि बेसिकली डिफरेंट साइजेस के अंदर, यानी कि डिफरेंट वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए, लाइक 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर को मेजर करने के लिए, 250 मिलीलीटर को मेजर करने के लिए फ्लास यूज होते हैं। हम इसमें डिफरेंट किस्म की जो केमिस्ट्री के अंदर सोल्यूशंस आती हैं उनको इसके अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। इन्हें हीट अप भी किया जा सकता है। इसमें राउंड बॉटम फ्लास होते हैं, फ्लास की शेप्स आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे करके होंगे, जैसे फ्लैट बॉटम कहते हैं, ठीक है जी, और ये ज़रा ट्राइंगुलर्स होता है, ठीक है जी। इसके अलावा एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है इस तरीके से, एक इसी तरीके से साइड से राउंड होता है, नीचे से फ्लैट होता है, ऐसे करके फ्लास्क होता है, टॉप पे इस तरह करके जा रहा होगा, ठीक है। इस तरह राउंड बॉटम भी इस तरह करके ना एक फ्लास्क होगी। ये फ्लास्क मोस्टली हमें लेबोरेटरी के अंदर अवेलेबल होता है। इसी तरीके से पिपेट्स होती हैं। पिपेट्स बेसिकली स्मॉल किस्म की ट्यूब्स होती हैं, ये देखिए स्लिम किस्म की ना, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। इनके एडवांटेज भी ये होता है कि ये भी डिफरेंट वॉल्यूम्स को जनाबेली वो कर लेती है, स्टोर कर लेती है। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हमें फ्लास्क की जरूरत नहीं होती, वी नीड पिपेट्स, तो हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इजीली इनके अंदर ये टॉप से भी इनके अंदर डाला जा सकता है, क्या कहते हैं, लिक्विड। और इनमें ये भी कैपेसिटी होती है कि ये बॉटम से भी लिक्विड को इन्वर्ट टेकअप कर लेती है। सो पिपेट्स भी इस्तेमाल होती है, डेफिनेटली डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। अच्छा, तो ये आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 119 और 120 पे अवेलेबल है, शॉर्ट नोट इसके ऊपर भी आ सकता है। अच्छा, पेज नंबर 118 पे उसने कन्वर्जन बिल्कुल एंड पे दिए हुए, और उसमें वो लिखता है जी कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर क्यूब। पहले लिखते हैं जी 75 मीटर क्यूब को अपने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, फिर लिखते हैं जी 1000 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो देखिए कैसे करना है, ये याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। अब आप सोचते होंगे मैंने 10 कैसे लिख लिया, बड़े सिंपल सी बात है, 10 और डेसी होता है 10^-1। तो ये अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, 1। तो ये स्टिल 1 मीटर ही। इससे आइडिया होगा मुझे कि 10 डेसीमीटर होते हैं एक बेसिकली मीटर के अंदर। फर्दर क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड। जब क्यूब करेंगे तो 1 मीटर का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इधर से 10 डेसीमीटर का भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फायदा होगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब हम इस तरफ चलते हैं, अगर आप इसको फर्दर देखें तो हमने 5 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। सो आंसर आ जाएगा कि 5 मीटर क्यूब एक्चुअली होता है 5000 डेसीमीटर क्यूब। नाउ फर्दर कन्वर्जन, अब वो कहता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करें डेसीमीटर में। तो अब इधर से करेंगे, देखिएगा 1 डेसीमीटर बेसिकली 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे आइडिया, बड़ा सिंपल है। देखिए रफ के अंदर आप इस चीज़ को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, आप करेंगे जी 1 × 10^-1, ऐसी समझने के लिए। इधर देखिए 10 × 10^-2। देखिए अब इक्विवेलेंस, मेरी अगर ये बात गलत हो तो आप जरा देखिए कि इक्विवेलेंस को आप जज कैसे करेंगे। 1 × 10^-1 का मतलब होता है 1/10, ठीक है। इधर देखिएगा जरा, ये होगा 1/100, 0 0 से कट गया, इसका भी आंसर 1/10 मीटर आ रहा है और इसका भी आंसर 1/10 मीटर आ रहा है। साबित हुआ दोनों साइड्स बराबर, इससे साबित हुआ मैंने जो स्टार्ट में एक रिलेशन लिखा वो बिल्कुल सही है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में। सॉरी, अब दोनों साइड पर हम क्या ले लेंगे, वही क्यूबिंग बोथ साइड, ये भी हो जाएगा 1 डेसीमीटर का होल क्यूब और ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ, और उल्टा लिखो अगर मैं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब। फर्दर आप जरा देखिए कितने को कन्वर्ट करना था, 1000 भी कन्वर्ट करना था, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका था। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और फर्दर ये बात हमेशा याद रखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो 1 सेंटीमीटर मीटर होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, और 1000 सेंटीमीटर जो होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब के होते हैं, वो 1 लीटर को कंप्राइज करते हैं किसी भी जगह पर।
तो साबित हुआ कि एक्चुअली बेसिकली 1 लीटर जो था वो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये भी यहाँ से साबित हुआ, ठीक है। सो आज आपका भी तकरीबन ये चैप्टर ख़त्म हो गया पहले वाला, ठीक है। अब इसकी रहेगी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख लूँगा वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूँगा, नहीं तो कोशिश करूँगा कि हलचुल एक्सरसाइज आपको सेट कर दूँ। तो यहाँ आपका चैप्टर हो जाता ख़त्म। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो हमने छोड़ा था ना फोर्सेज वाला चैप्टर, वो अब हम पहले अटेंड करेंगे इंशाल्लाह। मगर नेक्स्ट लेक्चर में आपको है किस चीज़ से, हाँ जी बिल्कुल। अब हम फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट लेक्चर्स में आप स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।